नमस्कार गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी आज का जो देखिए हवा ही बिल्कुल विपरीत जा रही है तो आज हम नए तरह की हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे वैसे होगा तो वही बट एक न्यू स्टाइल के अंदर साथ में करंट अफेयर्स का तड़का लगाते हुए तो एक बार फटाफट से बता दीजिएगा एवरीथिंग इज फाइन ताकि हम जो है क्लास को स्टार्ट कर सकें ओके okay. सबसे पहले तो मैं देखो एंशियंट हिस्ट्री जो प्राचीन भारत है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरह का हमारा जो भारत है आज से लाखों साल पहले दिखा करता था अच्छा चलिए एक मैं आपको सबसे पहले एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं जो आप सबको बहुत अच्छे से पता है कि फादर ऑफ हिस्ट्री किसे कहा जाता है अच्छा देखिए यहां पे फादर ऑफ हिस्ट्री जो है ये जो पर्सन है एक्चुअली क्या है बचपन से ही हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट रहा है जो थोड़ा सा बोरिंग टाइप रहा है उसी चीज को इंटरेस्टिंग और सुपर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए इस तरह की मैं जी आई एफ क्लासेस लेके आता रहूंगा मैं ठीक है तो चलिए देखते हैं हीरोडोटस की बात अगर हम करें तो इन्हें क्या कहा जाता है फादर ऑफ हिस्ट्री और जो इनकी किताब है इनकी किताब का नाम क्या है हिस्टोरिका ठीक है ये तो हुआ हमारा सबसे पहला ठीक है ये एक सबसे पहला और बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये लेकिन ये हम सबको पता है तो इसमें नया क्या है इसमें नया ये है कि सेकंड चीज जो है ये चीजें बहुत कम लोगों को पता है कि फादर ऑफ इंडिया प्री हिस्ट्री किसे कहा जाता है यानी कि भारत का इतिहास किस तरह से हमको पहली बार पता पढ़ने को मिला तो वो जो है इनका नाम है रॉबर्ट ब्रूस देखिए यहां पर ध्यान से रॉबर्ट ब्रूस फूट ठीक है इनको फूटे नहीं बोलते फूट बोलते हैं इज नोन एज फादर ऑफ इंडिया प्री हिस्ट्री यानी कि रॉबर्ट ब्रूस फूटे को जो है भारत के प्रगतिहास का जनक भी कहा जाता है तो बहुत बढ़िया है भाई और ये जो है ये वो फेमस पर्सनैलिटी है और अगर मैं बात करूं जुडिशरी के अंदर यूपी की बात तो यूपी के अंदर ये वाला क्वेश्चन आ रखा है ठीक है चलिए देखिये दूसरी चीज देखो प्री हिस्टोरिक का मतलब क्या होता है ना एक होता है प्रोटो हिस्ट्री और एक होता है प्री हिस्ट्री प्री हिस्ट्री का मतलब यह है कि हमारे पास कोई भी रिटर्न एविडेंसेस नहीं थे रिटन का मतलब यहां पे लिखित में कुछ भी चीज नहीं थी तो फिर हमको कैसे पता चला ठीक है ये हमने जब खोज करी जब हमने बहुत सारे खड्डे खोदे तब हम उसमें से क्या है एक अलग सी ही सिटी निकल के आई जिसका नाम क्या है इंडस वैली सिविलाइजेशन ठीक है आज से कुछ आठ हजार साल पहले की भी चीजें जो है हम आराम से देख सकते हैं अच्छा रिसेंटली की अगर हम बात करें तो राखी गढ़ी जो कि हरियाणा के अंदर है वहां पे एक कंकाल मिला है और मजे की बात यह है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन ठीक है सिंधु घाटी सभ्यता की जो सबसे बड़ी साइट है वो भी कौन सी बन गई है राखी गढ़ी चलिए देखते हैं हाँ तो यहां पे जो पुराने जमाने में जिस तरह से ह्यूमन बींग्स रहते थे अच्छा पहले के टाइम में क्या करते थे हंटर्स होते थे क्या होते थे हंटर्स यानी कि वो हंट करके खाते थे चलिए देखते हैं क्या क्या चीजें हैं यहां पे. जहां पे कोई भी तरह का पेपर नहीं था ना तो कोई लैंग्वेज था ना ही कोई रिटर्न डॉक्यूमेंट था उसी को हम क्या कहते हैं प्री हिस्टोरिक कहते हैं चलिए देखते हैं इस साइड में जो प्री हिस्ट्री जो कहते हैं इसका नाम पैलियोलिथिक कह सकते हैं पैलियो का मतलब क्या होता है अभी हम जानेंगे नियोलिथिक मेटल एजेस जिसमें हमको पता चला कि मेटल नामक भी कोई चीज होती है धातु है ना उसके बाद एंशियंट हमारा अभी तो एंशियंट हिस्ट्री बहुत दूर है है कि नहीं उससे पहले तो बहुत सारी चीजें हैं फिर मिडीवियल फिर मॉडर्न और फिर कंटेम्प्री मतलब अभी का ठीक है ये सारी चीजें हम यहां पे करने वाले हैं और डे टू डे क्लास रहेगी अच्छा फाइव डे वीक ये क्लास रहेगी पहले ही बता देता हूं मैं आपको है ना अच्छा इसी के साथ में मैं एमसीक्यू सेशन भी लाया हूं ताकि क्या है कि आपकी जो है तैयारी डबल स्पीड से अच्छी हो जाए उसके बाद आपको हिस्ट्री ज्योग्राफी पॉलिटी इकोनॉमिक्स में कोई भी दूसरी क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी ओके द पीरियड ऑफ टाइम फ्रॉम द अपियरेंस ऑफ फर्स्ट ह्यूमन बींग टू द इन्वेंशन ऑफ राइटिंग तो इसी को हम कहते हैं जी ये हर एग्जाम में आएगा भारत का जो भी एग्जाम है जिसमें जीके जीएस का पोर्शन आता है हर एग्जाम में ये चीज आएगी तो देखिए हमारा जो प्री हिस्टोरिकल एरा है ठीक है वो किस किस से संबंधित है सबसे पहली बात करें अगर हम तो पैलियोलिथिक पीरियड आता है ठीक है हाँ दूसरा जो है वो मिसोलिथिक आता है तीसरा है नियोलिथिक तो ये सब में इसमें सब देखो लिथिक वर्ड लिखा हुआ है ये चारों चीजों में लिथिक लिखा हुआ है हाँ फिर क्या है यहाँ पे चालकोलिथिक पीरियड हो गया यहाँ पे और उसके बाद में यहाँ पे क्या है आयरन एज बिल्कुल सही है जी बिल्कुल यूपीएससी से लेके छोटा सा एल डी सी एग्जाम तक सभी के लिए इंपॉर्टेंट है ठीक है चलो हाँ अब यहां पे हम बात करते हैं सबसे पहले पैलियोलिथिक एज की तो देखिए यहाँ पे पैलियो का मतलब होता है ओल्ड ओल्ड मतलब प्राचीन क्या है प्राचीन और लिथिक का मतलब क्या होता है स्टोन्स स्टोन्स कह सकते हैं रॉक्स कह सकते हैं तो जो सबसे पहली वाली रॉक एज थी है ना हाँ, तो वो इसको क्या कहते हैं हम पैलियोलिथिक एज कहा जाता है बिल्कुल सही है अच्छा एक और चीज बता देता हूं मैं यहां पे। हाँ, राइट। आ, इससे पहले ये जो स्टोन एज शुरुआत हुई थी ना इससे पहले क्या है आइस एज चल रही थी हमारे अर्थ पर आइस एज खत्म होने के बाद स्टोन एज आई स्टोन एज के बाद थोड़े से समय तक कुछ सालों तक जो है यहां पे फिर से आई सेज आई थी लेकिन फिर क्या है यहां पे पैलियोलिथिक पीरियड आ चुका अच्छा पैलियोलिथिक पीरियड की खास बात क्या है वो आपको बताते हैं सबसे पहले ठीक है हाँ इस तरह की आप फोटो देख रहे होंगे ये देखो ये पत्थर पे पत्थर मार रहा है है ना ये देखो कुछ इस तरह से करने की कोशिश कर रहा है तो ये क्या चीज कर रहे हैं कुछ आइडिया है आपको कि पैलियोलिथिक पीरियड में हमने फर्स्ट टाइम किस चीज की डिस्कवरी करी थी वेरी गुड ब्यूटी विथ ब्रेन आप सच में ब्यूटी ब्यूटीविथ ब्रेन है क्योंकि यहां पे फायर की जो है यहां पे हमने इन्वेंशन किया था हमने डिस्कवरी करी थी बिल्कुल सही है यहां पे राइट देखिएगा इनोवेशन इन द फायर इन द लोअर पेलियोलिथिक पीरियड लोअर पेलियोलिथिक पीरियड के अंदर इस तरह के स्टोन होते थे देखो एक एक चीज डिस्क्रिप्शन में मैं पढ़ा रहा हूं जो कि बिहार के मेंस के लिए भी काम की है प्रिलिम्स के लिए तो है ही बिहार मेंस के लिए भी ये काम की है इस तरह के स्टोन थे फिर इन स्टोन के बाद में इस तरह के स्टोन बनाए गए टोटली स्टोन एज है हाँ। और ये जो फोटो आप देख रहे हैं इस तरह के आपने अगर देखा हो ठीक है तो इस तरह की प्रजाति मैंने आपको बताया था रामा पृथिकस और शिवा पिथेकस, नामक दो ऐसी प्रजातियां थी पहले उसके बाद फिर अच्छा इनकी एक खास बात बताता हूं मैं पैलियोलिथिक एज के जो ह्यूमन बींग्स थे है ना वो आधे ह्यूमन बींग्स थे इनका जो माइंड है ना जैसे समझ लीजिए हमारा माइंड इतना है तो इनका माइंड इतना सा था ठीक है हमारी हाइट इतनी है तो इनकी हाइट इतनी थी फिर धीरे धीरे बड़ी हाइट फिर वापस कम होती गई और अब वापस से कम होती जा रही है तो इनोवेशन इन द फायर यानी कि पहली बार आग का पता हमको पैलियोलिथिक एज में पता चला था ऐसा हमारा हिस्टोरियंस का कहना है बाकी तो पहले से हुआ होगा और यहां पे एक आप फोटो देख सकते हैं जी कल रात को आ, ऐसे ही ऑस्टेज भाग रहा था मैंने कहा देखे तो सर क्या है तो इसी तरह से यहाँ पे ऑस्टेज वर फाउंड इन इंडिया ड्यूरिंग द पेलियोलिथिक पीरियड तो पेलियोलिथिक पीरियड में जो है ऑस्टेज भी यहाँ पे पाए गए थे बहुत ही ये सबसे फास्टेस्ट एनिमल है ऑन अर्थ आप सबको पता ही है इनका अंडा भी बहुत बड़ा होता है यह भी आपको अच्छे से पता ही है फिर नाम आता है हमारा कि जो इंपॉर्टेंट साइट्स कौन सी थी साइट्स का मतलब जगह कौन कौन सी थी अच्छा यह ध्यान रखिएगा यह मैं बायलिंग्वल लाया हूं ठीक है यह इंग्लिश और हिंदी दोनों बाइलिंग्वल लेके आया हूं मैं हिंदी में भी समझाऊंगा इंग्लिश में भी समझाऊंगा साथ में इसकी पीडीएफ तो मिलेगी ही बट आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा मैं इन द फॉर्म ऑफ ई बुक नोट्स क्या होंगे वन लाइनर के रहेंगे हाँ तो इसमें क्या है आपका फायदा हो जाएगा कभी भी आपको एक बार क्लास देखी उसके बाद रिवीजन के लिए वो नोट्स हो गए तो मैं आपको 99 परसेंट काम करके दूंगा आपको सिर्फ एक परसेंट काम करना है उसको पढ़ना है बस ठीक है चलो तो इंपॉर्टेंट पैलियोलिथिक साइट्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले नंबर पर आता है तो यहां पे करंट अफेयर्स का लगेगा तड़का कैसे अभी बताते हैं फिर आता है की बात करें तो इस बार एमपी के अंदर हंड्रेड परसेंट यह क्वेश्चन आएगा किसके लिए फेमस है ह्यूमन एनिमल और जियोमेट्रिक पैटर्न की पेंटिंग के लिए भिमबेटका फेमस है अच्छा भीम केव की बात करें अगर हम हाँ तो डॉक्टर विष्णु श्रीधर वंकर 1957 के अंदर है ना हाँ ये पाया गया था ठीक है और हुसी साइट जो है ये यहाँ पे बहुत सारे टूल्स मिले थे तो अगर यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछते हैं ठीक है कि टूल्स कहाँ मिले क्या मिले टूल्स कहाँ मिले तो आप क्या बताएंगे हंसकी साइट पे मिले

किताब तो मैं आपको दूंगा ही ये देखिए अब यहां पे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर किसमें बहुत ध्यान से देखिएगा यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के अंदर ये जगह का नाम आता है इसका नाम क्या है भीम बेट का केव्स ठीक है भिम का केव्स जो है ये कहां पर है एमपी के अंदर भीम का केव्स कहां है एमपी मध्य प्रदेश के अंदर है ये अब ये जो लिए फेमस है हाँ बिल्कुल वेरी गुड रॉक शेल्टर बिल्कुल ये लिए फेमस है तो आइए जानते वर्ल्ड हेरिटेज साइट है पैसा सरकार तो देती है यूनेस्को यूनेस्को भी देती है ध्यान रखिएगा इसको डेवलप करके रखने का और एक अच्छा खासा ये टूरिस्ट स्पॉट भी है चलिए देखते हैं फेमस फॉर ये देखिए यहां पे डायरेक्ट क्वेश्चन प्रीलिम्स और मेंस के हिसाब से जरूरी है इस तरह की यहाँ पे रॉक शेल्टर uh, बने हुए हैं जहां पे लोग रहते थे और अपने तरह की पेंटिंग्स यहाँ पे बनाते थे ठीक है अब देखो यहाँ पे फॉर रॉक केव रॉक पेंटिंग के लिए फेमस है भिम्बेटका ओके भिम्बेटका एन आर्क्योलॉजिकल साइट लोकेटेड इन रायसेन डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश इज फेमस फॉर प्री हिस्टोरिक रॉक शेल्टर्स एंड पेंटिंग्स। तो यहाँ पे लोग रहते भी थे और उनकी पेंटिंग्स भी यहाँ पे है अब मुझे एक बात बताएं आपका घर है घर के अंदर कुछ तो आप रंगोली या कुछ बनाओगे तो वो यहाँ पे इनके पास तो था नहीं कुछ तो रॉक्स पे बना देते दे थे और वो हमको क्या है मिल गया ठीक है दीज केव पेंटिंग्स शोज थीम सच एज एनिमल्स अर्ली एविडेंस ऑफ डांस एंड हंटिंग इन इंडियन हिस्ट्री इसमें क्या है साफ साफ पता चलता है कि ये डांस कर रहे और हंटिंग का मतलब क्या है कि एक जानवर को ऐसे लटका रखा है और फिर नीचे आग जल रही है और ऐसे हिल रहा है वो ठीक है हाँ इसको हिला रहे हैं तो उससे हमको पता चलता है कि यहां पे हंटिंग भी होती थी बेटका हैज द ओल्डेस्ट नोन रॉक आर्ट इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट सबसे पुरानी जो रॉक मानी जाती है वो भीम की मानी जाती है ठीक है चलिए देखते हैं अजंता में मोस्टली जो है बुद्धिज्म की पेंटिंग्स है लेकिन ऐसा है नहीं जैनिज्म, बुद्धिज्म और कुछ अलग अलग गॉड उन सब की है उसमें ठीक है, अजंता के उसके, उसके अंदर और एलोरा बिल्कुल अलग है बिम्बेटका के बात करें अगर हम तो देखो लोअर पैलियोलिथिक के अंदर इस तरह के स्टोन थे इसमें शार्पनेस नहीं थी तीखापन नहीं था यहाँ पे ठीक है उसके बाद फिर मिडल वाले जो आए तो उसके अंदर थोड़ा थोड़ा तीखापन आया धीरे धीरे सीखते हैं ना अपन अपन भी ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में इंडियन हिस्ट्री सीख लेंगे तो धीरे धीरे हम क्या है पहले बेस बनाएंगे बेस के ऊपर क्या है स्टोन रखेंगे और उसके बाद छत रखेंगे तो पूरा घर बन जाएगा तो इस तरह से फिर जब अपर की बात करें अगर हम तो ब्लेड टाइप जो है इन्होंने बनाया तो ब्लेड टाइप को जैसे ही फेंकते थे तो जानवर क्या है मर जाता था और उसको ले आते थे सेम इसी तरह से हारफोन बनाया था जिससे क्या है कि वो पहले के जमाने का फिशिंग रॉड कह दो यहाँ पे मछलियां पकड़ने के लिए हारफोन अभी भी यूज होता है ये ठीक है बिल्कुल आ, नीडल बनाया गया था इसके लिए भी जो है आ, कपड़े सीलने के लिए अब कपड़े किससे सीलते थे रोप्स कहाँ से लाते थे पेड़ की शाल से पेड़ के जो आ, जो होते थे हाँ जेवलिन जो है यहाँ पे देखो आ, और परफोमेटर ये क्या है कि होल्स करने के लिए डिग करने के लिए खड्डा खोदने के लिए जो है इन चीजों का यूज करते थे तो बिल्कुल अलग अलग तरह के यहाँ पे टूल्स बनाए गए और ये सारे के सारे टूल्स कहाँ मिले देखो यहाँ पे अभी बताया था मैंने आपको हाँ स्थलों के अंदर जो है यहाँ पे मिला गया था अभी एम सी क्यू क्वेश्चन पूछूंगा मैं आपको ठीक है भिम बेटका के बाद अगर हम बात करते हैं आ, तो आता है मिसोलिथिक पीरियड इसमें क्या करते थे ये लोग हंटिंग तो करते ही थे हंटिंग के साथ साथ ये चीज बनाने में भी यूज करते थे देखो यहाँ पे दे इन्वेंटेड वुडन वुडन बोस बोस एंड एरोस मतलब कि पहले के टाइम में में क्या होता था stone age था स्टोन स्टोन एज एज तो stone age में पत्थर से मारते थे और फिर मारा करते थे अब क्या है इन्होंने तीर और कमान भी बना दिया तो तीर और कमान बनाने के बाद में इनको क्या है कि सीधा मारते तो क्या है जानवर मर जाता था और फिर ये खा लेते थे इस तरह से देखो यहाँ पे सब कुछ आपको दिख रहा होगा अच्छे से विथ फोटो एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करते हैं हाँ तो क्या है कि अच्छा समझ में आता है ठीक है फिर देखें यहाँ पे हाँ ये देखो इस तरह के यहाँ पे देखो बदमाश थे पहले के भी देखो हिरन के साथ साथ देखो हाँ उन्हीं के शेप के अंदर पास में घुस जाते और फिर इससे मार देते भाले से भाला मीन्स जैवलिन एट द बिगिनिंग ऑफ मिसोलिथिक पीरियड देयर वर चेंजेस इन द अच्छा ये चीज तो मैंने आपको बताई नहीं आइस एज के बाद ठीक है जैसे जैसे पानी ऊपर जाता गया तो जमीन आती गई तो जमीन आने के बाद में क्या है पेलोलिथिक एज स्टार्ट हुई यानी कि रॉक जो लावा जो था लावा ठंडा हो गया तो पत्थर बन गया उसके बाद क्या है क्लाइमेटिक चेंज हुआ गर्मी बढ़ी क्या बढ़ी गर्मी बढ़ी उसके बाद क्या हुआ एक इकोसिस्टम एक बना ग्रासलैंड इकोसिस्टम ठीक है हाँ फिर ग्रासेस बनी वहां से डियर अब ग्रासेस बनी तो उसको खाने वाला तो चाहिए तो डियर यानी कि हिरन बने गोट बनी काउ बनी एटसेट्रा तो ये सब कब बने मिसोलिथिक पीरियड के अंदर इसके एविडेंसेस है हमारे पास ऐसे बिना एविडेंस के बात नहीं कर रहे हैं अपना ठीक है ड्यू टू तो इंक्रीजिंग एटमोस्फेरिक प्रेशर एटमोस्फेरिक प्रेशर बढ़ते 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 फिर जब एटमोस्फेरिक प्रेशर ज्यादा बढ़ा तो फिर कैमल बन गए क्योंकि एडप्शन बहुत जरूरी है क्या है एडप्शन जस्ट अ सेकेंड है ना हाँ ओन वाइब्रेट पे था ओके अब आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट मिसोलिथिक साइट्स इन इंडिया थोड़ा सा आपको ये याद करना पड़ेगा ठीक है करके एक जगह है राजस्थान में कैमूर करके जगह है मिर्जापुर यूपी में ब्रह्मगिरी जो है कर्नाटक ब्रह्मगिरी पहाड़ बहुत फेमस है ये हाँ कर्नाटक में आदमगढ़ ये बाहुबली में भी दिखाया है आदमगढ़ ज्यादा फेमस आदमगढ़ के अंदर ही मैं आपको बताना चाहता हूं जो डॉग्स हैं और अलग अलग तरह के जानवर हैं उनकी हड्डियां मिली है कहाँ पे आदमगढ़ हिल्स के अंदर तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट था आर्कियोलॉजिकल सर्वे के लिए और आदि चनौर जो है यहाँ पे तमिलनाडु के अंदर है देखो अरे ये तो लिखा हुआ है एविडेंस ऑफ द डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स इज फाउंड इन बैगोर एंड आदमगढ़ हिल्स तो इन जगह पे क्या है एविडेंस भी मिला है ठीक है फिर देखते हैं आगे ये मिसोलिथिक साइट्स थी जी ये बहुत ज्यादा जरूरी है मेंस के लिए बहुत ज्यादा हाँ फिर है नियोलिथिक अच्छा नियो मिसो का मतलब तो होता है बीच का ठीक है पैलियो का मतलब होता है पुराना ओल्ड और नियो का मतलब क्या होता है न्यू न्यू ओल्ड एज कह सकते हैं अपन न्यू ओल्ड एज ऑफ स्टोन है ना अब आप बोलोगे न्यू ओल्ड एज क्या है यहाँ पे तो देखो पुरानी बात है लेकिन है तो पुराना ही हिस्ट्री है इसी तरह से तो यहाँ पे इस तरह के टॉयज बनाए गए मजे की बात यह है हमको अब वो टॉयज मिल रहे हैं वो भी सही सलामत और ये जो टॉय है ये असली है एज इट इज मिला है गुड़िया टाइप का है और इस तरह के जो है शेल्टर बनाना भी स्टार्ट कर दिया धीरे धीरे आगे हम ह्यूमन बींग्स बढ़ते गए और बढ़ते बढ़ते जो है यहाँ पे न्यूलिथिक साइट्स की बात करें तो एक मेहरगढ़ है जो कि पाकिस्तान में है आ, बुर्ज होम है जो कि जम्मू कश्मीर में है चिराद है जो बिहार के अंदर है बैलन वैली उत्तर प्रदेश और हलौर हलोर जो है बैलोर के पास है कर्नाटक के अंदर ठीक है हाँ और जिनको भी ये क्लास अगर अच्छी लगती है क्योंकि यही मोटिवेशन होता है मेरा कि आगे से आगे ऐसी की ऐसी और शानदार क्लास लो और मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ ऐसी क्लासेस नहीं मिलेगी फैक्ट है ये ठीक है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कैसी आपको लगी फिर यहां पे है चैलकोलिथिक चेलकोलिथिक लिथिक का मतलब यहां पे क्या हो जाता है स्टोन रॉक्स और चैलको का मतलब यहां पे क्या होता है कॉपर यानी कि कॉपर का मिक्स बना के एक तरह से ये मेटल एज शुरुआत है लेकिन अभी तक आयरन नहीं पता था लेकिन इनको कॉपर पता था और कॉपर से इन्होंने देखो किस तरह के ये बनाई चीजें देखो आ, बना के और इतनी शानदार शानदार चीजें जिसका एविडेंस अभी तक अवेलेबल है हमारे पास क्योंकि इसका जो परफेक्ट एग्जाम्पल है चेलकोलिथिक साइट का वो कौन सा है इंडस वैली सिविलाइजेशन और जितने भी ये इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो भी चीजें हैं वो सबकी जो है यहां पे आपको म्यूजियम्स में दिखने को मिलेगा द मेन यहां पे प्रेजेंस ऑफ पेंटेड पोएट्री पोट्री की बात करें अगर हम तो इस तरह की पोट्री है ठीक है मिट्टी की बनाई हुई है ब्रॉन्स की बनाई हुई है लेकिन पेंटेड है मतलब कि कलर भी भर रखे हैं तो सोचो यहां पे है ना द प्रैक्टिस ऑफ बरिंग द डेड बींग बरिड इन पर्टिकुलर डायरेक्शन और यहां पे जब कब्रें खोदी गई तो पता करा गया कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ ही वहां पे बरी करते हैं यानी कि दफनाते हैं ठीक है जैसे फॉर एग्जांपल ईस्ट साइड तो ईस्ट साइड ही दफनाएंगे सबको एक की बात करें तो चलो समझ में आता है लेकिन दस की बात करें एक साथ तब तो मानना ही पड़ता है कि ये लोग बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस करते थे लिमिटेड नंबर ऑफ कॉपर एंड ब्रोंज टूल्स वर रिकवर्ड ड्यूरिंग दैट टाइम लेकिन मिले थे अब मिले थे तो इसका मतलब क्या है कि थे तो इस समय तक एक भी आयरन यानी कि लोहे की कोई चीज मिली नहीं तो चालकोलिथिक पीरियड के अंदर कॉपर और ब्रोंज के जो है पॉट्स मिले गए और ऐसी खूब सारी टूल्स मिले गए थे ठीक है फिर आगे बढ़ते हैं चालकोलिथिक के बाद आता है आयरन एज फिर से आ गया आयरन एज आयरन एज का मतलब क्या होता है ये देखो उस समय का आज से हजारों साल पहले की बात कर रहा हूं मैं तो ये इस तरह की जब बनाई गई थी देखो ये सब कब की है उस समय की आज भी ऐसी चीजें बनाने में बहुत टाइम लगता है तो उस समय देखो यहां पे कितना हाँ लोहा मिला फर्स्ट टाइम तो अगर आपसे पूछते हैं कि आयरन को पहली बार हमने डिस्कवर कब किया तो आयरन एज के अंदर किया था ठीक है हाँ ये देखो स्मेल्टिंग ऑफ आयरन कहते हैं लोहे को किस तरह से गर्म करना है और उसको शेप देना है ये उस समय के ह्यूमन बींग्स ने सीखा था ठीक है मास प्रोडक्शन ऑफ वेपन्स मेड फ्रॉम आयरन एंड स्टील आयरन और स्टील का मिला के मिक्सचर इन्होंने वेपन्स बनाए लार्ज सिटीज बिगेन टू डेवलप एशिया और यूरोप के अंदर अलग अलग तरह की सिटीज जो है डेवलप होती गई और एक अच्छे तादाद पे मेटल वर्किंग वर्किंग बिकेम मोर एडवांस एंड कॉम्प्लिकेटेड मेटल मेटल वर्क को जो है और भी अच्छा बनाया गया तो ये एक बहुत अच्छी बात है बहुत बढ़िया नेक्स्ट देखिए ये जो फोटो मैं आपको दिखा रहा हूं इस तरह की ये इनकी फैक्ट्री हुआ करती थी बहुत बहुत मुश्किल से ये फोटो मिली है मैं आपको बता रहा हूँ बहुत मुश्किल से यहाँ पे ये आयरन को रखते थे फिर यहां से आग लगाते थे और फिर उसको एक शेप दे देते थे पर्टिकुलर ठीक है जैसा भी उनको शेप चाहिए होता था वो पर्टिकुलर शेप दे देते दे थे उस समय आज से हजारों साल पहले की बात है ये अच्छा ये बीच में जो है यहाँ पे आइकॉनिक लिंकिंग रेगुलर बैच ठीक है क्योंकि ये भी हिस्ट्री के हिस्ट्री में लिखा जाएगा जब बहुत आ, महीनों बाद कोई स्टूडेंट सर्च करेगा कि सर की क्लासेस देखनी है तो वो जरूर आएगा और ये अन अकेडमी पर अवेलेबल होगा ये उस समय भी कोर्स तो ध्यान रखिएगा तनसुख सर सूर्या सर अनुप सर अपूर्वा मैम और प्रभाकर सर ये सभी जो है इस बैच के अंदर पढ़ाएंगे सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको किस कोड का यूज करना है लिंकिंग कोड का यूज करना है चलिए आगे बढ़ते हैं ओ माई गॉड यहां पे मैं एक ऐसी फोटो लेके आया हूं आपके लिए जो कि आपको बताना बहुत जरूरी है पहले के ज़माने में हमारी हाइट क्या है इतनी रहती थी ये चार फुट भी नहीं है चार साढ़े चार फुट है उसके बाद हमारी हाइट गिरी होमोहेबिलीस बुलाते थे उनको गिरी हाइट उसके बाद एकदम से जो है हाइट बढ़ गई जिनको हम क्या कहते थे आर्यंस आर्यंस की एज कहते थे हम यहाँ पे हाँ लेकिन मानव शरीर नहीं था हाँ वो आर्यन के वंशक ही आगे जाके जो है ये बने ध्यान रखिएगा मैं क्लियर बता रहा हूं उसके बाद फिर हमारा जो है मुंह का साइज बड़ा और फिर यहां से चैंपानी निकले और बाकी हम जो है पूरा एक ह्यूमन फिर हमारा जो ब्रेन डेवलप ज्यादा हो गया और ह्यूमन बींग बन गया और आज की जो प्रजाति है उसको हम क्या कहते हैं होमोसेफियंस कहते हैं क्या कहते हैं होमोसेफियंस और अब जो आने वाली आगे प्रजाति है यानी कि आज से कुछ सौ साल बाद की बात हो रही है मेरे हिसाब से पचास साल बाद तो हमारी ये वाली उंगली नहीं रहेगी और हमारी जो हाइट मेरी समझ लीजिए इतनी है तो एक एवरेज हाइट जो है इतनी हो जाएगी ठीक है फिक्स है ये चीजें छाती पर यानी कि चेस्ट पर बाल नहीं होंगे ये देखो सबके हेयर है ना देखो इसके ज्यादा है कम 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 और फिर आगे जाके किसी के हेयर होंगे ही नहीं ये प्रजाति वैसे स्टार्ट हो चुकी है हाँ उनको हम कहते हैं सुपर ह्यूमन क्या कहते हैं सुपर ह्यूम और अब तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी जमाना है लेकिन ये सब तो नई बातें हैं मैं आपको और भी हिस्ट्री में लेके जाता हूँ जो बेस्ट पार्ट ऑफ द क्लास है वो तो अब स्टार्ट होने वाला है ये सब तो अभी की हजारों साल पहले की बातें हैं लेकिन अब मैं आपको लाखों साल पहले की बात करने जा रहा हूं आज से कुछ दस लाख साल पहले कितने दस लाख साल पहले हमारे धरती पे हमारे धरती पर पूरा लावा था ओनली लावा जो अभी आप पानी देख रहे हैं ओशन देख रहे हैं, पैसिफिक ओशन एटलांटिक ओशन वो सिर्फ क्या था लावा लेकिन जो लावा है वो ऊपर गया इवेपोरेट हुआ और ऊपर गया तो बादल बने जब वो बादल गिरे है ना बारिश हुई होगी ऑब्वियसली तो मुझे एक बात बताइए जब लावा ऊपर गया तो लावा ही नीचे आएगा ना पानी ऊपर जाएगा तो पानी आएगा तो जब वो नीचे आया तो वो आ, क्या कहते हैं सल्फरिक ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड के फॉर्म में आया था एसिड बन के तो एसिड रेन हुई एसिड रेन से हमारी धरती हुई ठंडी ठंडी हुई तो पूरी जो अर्थ है वो ढक गई किस में बर्फ में तो हमारी स्टार्ट हुई एज डेढ़ लाख साल जो है हमारी आइस एज थी और उसके बाद धीरे 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 आइस पिघलती गई और इन चीजों का निर्माण हुआ ये जो छोटे छोटे कैप्सूल टाइप आपको ऑर्गेनिज्म दिख रहे हैं ये हमारे सबसे पहले ऑर्गेनिज्म है ठीक है हमारे जो वंशक से वंशक से वंशक ठीक है तो ये क्या करते थे ऑक्सीजन छोड़ते थे पानी में ठीक है हाँ क्योंकि आई एज हुई अब बर्फ पिघलेगा तो बर्फ तो पानी ही बनाएगा भाई तो ये ऑक्सीजन छोड़ते थे ऑक्सीजन हर बार छोड़ते तो क्या होता एटमोसफेयर में ऑक्सीजन जाता वहां से फिर इन्होंने अपना रूप चेंज किया इन्होंने रूप चेंज करके इस तरह से बने और फिर धीरे धीरे क्या हुआ वो हम आपको दिखाते हैं ठीक है चलिए देखते हैं हाँ ये देखिए ये वो जो अभी मैंने बताया था आपको वो बना है बन रहा है देखो अमीबा बना है ये अमीबा से एक चीज अलग चली गई हाँ अब एक देखो हाइड्रा बनेगा हाइड्रा एक चीज अलग चली गई दूसरी प्रजाति स्टारफिश बन गई वो जाके फिर ये देखो सांप बन गए ये फिश बन के अलग चली गई ये दूसरी फिश बनी है ये वेल्स बन गई ये देखो अलग ही चली गई प्रजाति ये फिर चेंज हो गई प्रजाति अलग चेंज हुई प्रजातियां चेंज हो रही है देखो यहां यह पे ये टोटोइ चले गए ये डायनासोर चले गए प, 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 आ, पंछी बन गए हाँ ये बड़े डायनासोर ये देखो चूहा बनेगा अब ये हाँ ये कैमल्स बन गए ये बंदर बने बंदर से देखो कुछ बंदर रह गए कुछ बंदर आगे बढ़ गए फिर एप्स बने एप्स बन के आगे रह गए और ये ह्यूमन बींग बन गए इस तरह से जो है हमारा निर्माण हुआ बहुत बड़ी चीजें थी लेकिन स्टार्ट कहाँ से हुई यहां से स्टार्ट हुई और यहां पे आके हम खत्म हुए ठीक है तो इस तरह का जो है हमारा हिस्ट्री है और बहुत ही पुराना हिस्ट्री है एक ही चीज से बन रहा था यही तो बात है ना हाँ यही तो मैं आपको समझाना चाह रहा था कि ये सब हिस्ट्री है और ये हिस्ट्री का भी बाप है एक्चुअली ठीक है और ये तो पढ़दादा है हिस्ट्री के भी ठीक है हीरोडोटस ने अपने जो दूसरे फूटे ने इन ने नहीं लिखा है ये जोग्राफी से मैं हिस्ट्री के अंदर लेके आया हूं फिर हिस्ट्री इज द पास्ट देखो अब तो हिस्ट्री की क्लास स्टार्ट हो रही है सोचो आप हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ठीक है एक क्रोनोलॉजी देखो क्रोनो का मतलब क्या होता है क्रोनो का मतलब होता है टाइम ठीक है हाँ तो समय को आगे से आगे डिवाइड करके इसकी चीज को रिटर्न डॉक्यूमेंट में लिखने को हम क्या कहते हैं हिस्ट्री करते हैं द ईयर ऑफ जीजस बर्थ जीजस क्राइस्ट की अगर हम बात करें तो जब वो बर्थ हुए थे उनको हम कहते हैं एडी और एडी का फुल फॉर्म क्या होता है एनो डोमिनी कहीं लिखा हुआ होगा एनो डोमिनी इज द राइट आंसर और उससे पहले क्या चलता था बीसी यानी कि समझ लीजिए ये 500 सौ है फिर ऐसे करके वन एडी आया और फिर अभी क्या चल रहा है दो चल रहा है मैंने आपको लाखों साल पहले की हिस्ट्री जो है पिछले 20 से 25 मिनट में आपको करा दी है ठीक है फिर हम जो है आगे धीरे धीरे अभी बढ़ेंगे इसके साथ में जो है कंटिन्यूएशन में मैंने एमसीक्यू का भी सेशन रखा है ध्यान रखिएगा अब जो है सोर्सेस ऑफ इंडियन हिस्ट्री जो कि मैं पढ़ाऊंगा तो कल लेकिन मैं कुछ आपको थोड़ा सा बता रहा हूं जैसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज मिले हैं हमको लिटररी सोर्सेज मिले हैं आर्कियोलॉजिकल का मतलब होता है जब हमने स्टोन्स देखे फिर उनकी जांच करी फिर हमको पता चला कि अच्छा ये तो अशोका के पीरियड का था अच्छा ये तो समुद्र गुप्त के पीरियड का था ओ हो, हो ये तो मोहन का पत्थर है तो इस तरह की जो चीजें हैं वो आर्कियोलॉजिकल से मिली फिर यहाँ पे लिटररी बड़े बड़े राइटर्स से हमारे यहां पे, है नहीं वेद व्यास जी है कि नहीं हाँ वाल्मीकि जी चाणक्य विष्णुगुप्त ये जो सारे के सारे जितने भी हैं ये सब किसके लिए है लिटरेरी सोर्सेज ही तो बना रहे हैं हाँ फिर आते हैं फॉरन अकाउंट्स मेगस्तनीज़ फाहीन हाँ और भी क्या क्या कितने सारे जो है यहाँ पे हमारे हैं बिल्कुल तो ये सब मिला के क्या है इतिहास के स्त्रोत्र बता रहे हैं यानी कि सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री बता रहे हैं और फैक्ट है फैक्ट है कि जो भारत का इतिहास रहा है वो एकदम ही शानदार राय हमेशा से अब देखो द स्टडी ऑफ द पास्ट एग्जामिनिंग द रिमेनिंग मेटेरियल जैसे अभी आपने राम सेतु मूवी देखी थी उसमें अक्षय कुमार जो था वो एक आर्कियोलॉजिस्ट था क्या था आर्कियोलॉजिस्ट और उनके जो पढ़ाई भी जो जो पढ़ाई करते हैं उसी चीज को हम क्या कहते हैं आर्कियोलॉजी कहते हैं फिर देखें हाँ और जो एक्सकेवेशन होता है डिगिंग मतलब खड्डा खोद के निकालना चीजों को और बहुत सारी चीजों का पता लगाना उसको हम क्या कहते हैं एक्सकेवेशन 1861 के अंदर 1861 में ए यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एस्टेब्लिशमेंट हुआ था ठीक है और उसके जो फर्स्ट जनरल कौन थे आप बता दीजिएगा डायरेक्टर जनरल जो थे ना ए के मैंने कम से कम सौ बार आपको बता रखा है आप बता दीजिएगा ठीक है इंस्क्रिप्शन क्वाइंस सील्स मैसोपोटेमिया की सील क्वाइन यहां मिल रही है इंडिया के अंदर और इंडिया की मिल रही है वहां पे तो कुछ तो बात होगी बिल्कुल जो हम पढ़ने वाले हैं पोट्रीज मॉन्यूमेंट्स केव्स स्कल्पचर्स मूर्तियां वेरी गुड अलेक्जेंडर कुनिंगम जो है फर्स्ट जनरल थे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेडक्वाटर कहां है कोलकाता कोलकाता इंस्क्रिप्शन ये अशोका का इंस्क्रिप्शन है ये भी अशोका का इंस्क्रिप्शन है तो अशोका के इंस्क्रिप्शन ताजमहल के इंस्क्रिप्शन जो लिखे हुए थे उनकी स्टडी करने को क्या बोलते हैं एपिग्राफी ठीक है इंस्क्रिप्शन की स्टडी करने को कहते हैं एपिग्राफी पता लगाना कि क्या क्या चीजें लिखी गई है अशोका के जो लेख थे उनको पढ़ने वाला पहला पर्सन कौन था जेम्स प्रिंसेप क्या नाम था जेम्स प्रिंसेप स्टडी ऑफ क्वाइंस की बात अगर हम करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं न्यूमिस्मेट्रिक्स और सबसे पुराने सिक्के सबसे पुराने सिक्के उनको हम क्या कहते हैं आहत सिक्के क्या कहते हैं आहत सिक्के और ऑल्सो नोन एज पंच मार्ग क्वाइंस पंच मार्ग प्वाइंस ठीक है इन सिक्के को कहा जाता था सबसे पुराने सिक्के हैं ये आ, एक नॉन लिटररी सोर्सेज़ है और एक लिटररी लिटररी का मतलब होता है कि किसी भगवान से रिलेटेड किसी सेक्युलर थिंक से रिलेटेड है ना जो धार्मिक चीजें हैं जैसे हिंदुओं की गीता है मुस्लिम्स की कुरान है है ना बाइबल क्रिश्चियंस की हो गई आदि ग्रंथ किसकी हो गई सुख सिख गुरु की हो गई तो उसी तरह से नॉन लिटरेरी सोर्सेज में जैसे चाणक्य ने लिखी है अर्थशास्त्र पानी ने लिखी है यहाँ पे अष्टाधाई तो ये सब किस में आता है नॉन लिटरेरी में आता है तो अभी हम ये कल वैसे भी डिस्कस करने वाले हैं रिलीजियस लिटरेचर देख लो वेदास रामायण महाभारत पुराण सेक्यूलर के अंदर भी है यहां पर और फॉरन अकाउंट भी बहुत सारी चीजें हैं बिल्कुल अच्छा ये मैं आज छोटा छोटा टॉपिक आज ही खत्म कर रहा हूं ताकि क्या ये वापस आपके बीच में ना आए चार वेद हैं जो हम सबको पता है ऋग्वेद जिसमें सिर्फ क्या है श्लोक है क्या है ओनली श्लोक आ, ये श्लोक जो है ये कौन गाता है ऋग्वेद के अंदर जो भी श्लोक है कि एक बार तो जो है कोई ना कोई भगवान हंड्रेड परसेंट आते ही हैं तो आज भी वही हुआ है क्योंकि आज तो मैंने लाखों साल की हिस्ट्री पढ़ा दी है तब तो कोई ना कोई तो आएंगे ही है कि नहीं चलिए तो मैं आपको बताना चाहता हूँ ऋग्वेद क्या है श्लोक से रिलेटेड है है ना सामवेद संगीत से यजुर्वेद किससे यज्ञ यज्ञ से रिलेटेड है और अथर्ववेद की बात करें तो डिसिप्लिन ब्लैक मैजिक मेडिसिन से रिलेटेड है एक बार अप तो कर दीजिए कि एवरीथिंग इज परफेक्ट है कि नहीं एवरीथिंग इज परफेक्ट ओके तो चार वेद होते हैं वेद के बाद जो है यहां पे वर्ण सिस्टम क्या होता है वर्ण जो हमारे वेदों में लिखा गया है कि चार वर्ण होते हैं हाँ बिल्कुल मैं रिपीट कर रहा हूँ साथ साथ में सबसे पहला वर्ण होता है ब्राह्मण्स सेकेंड इज क्षत्रियास थर्ड इज वैश्यास और चौथे हैं शुद्रास ऐसा कहा जाता है कि जो शुद्रास है वो उनको डाउन वर्ड में माना जाता है और जो शुद्रास है वो इन तीनों की सेवा करेंगे अच्छा एक और चीज बताता हूं मैं कि क्षत्रियास का काम सिर्फ क्या था आ, लड़ाई करना था यानी कि रक्षा करना था डिफेंस करना था ठीक है हाँ और युद्ध के अंदर पार्टिसिपेट करना था पेशियास का काम क्या था मर्चेंट्स था मर्चेंट्स के साथ साथ अगर हम बात करें हाँ जी वर्ण और जाति में तो बहुत फर्क है जैसे फॉर एग्जाम्पल क्षत्रिय को ले लो तो क्षत्रिय एक वर्ण है इसके अंदर जो जाति है अलग अलग जातियां हैं जैसे राजपूत हो गए है ना राजपूत के अलावा जाट हो गए तो ये सब क्या है अलग अलग है ठीक है उस पर फिर अलग अलग कास्ट अलग है तो जाति के बाद भी धीरे धीरे अलग अलग चेंज होता रहता है ठीक है तो पहले के जमाने में चार वर्ण हुआ करते थे और ऐसा कहा गया था कि जो ऋग्वेद है ऋग्वेद के अंदर जो श्लोक है कितने श्लोक है वन जीरो टू एट वन जीरो टू एट श्लोक है और दस मंडल है और दस मंडल में जो 10वां मंडल है उसमें इसमें में टेंथ मंडल के अंदर वर्ण सिस्टम का यहां पे हमको पता चलता है इसी के साथ में जो गोपा होता है देखो मंदिर की जो पूजा करता है उसको हम क्या कहते हैं प्रीष्ट कहते हैं यानी कि पंडित कहते हैं पंडित का पुराना रूप जो होता था गोपा हुआ करता था तो जो भी चीजें हाँ जो भी चीजें ऋग्वेद के अंदर लिखी गई होती थी श्लोक वो सब कौन बोलता था गोपा आपको अगर पता हो तो अगर किसी की डेथ होती है या फिर कोई चीज हम किसी की शादी होती है या फिर घर के अंदर होम होता है तो हमेशा ब्राह्मण को बुलाते हैं वो पढ़ता है आप नहीं पढ़ते हैं वो कौन पढ़ता है ब्राह्मण पढ़ता है और उसके बाद ही वो चीज का एकदम सही मान्य होता है ठीक है हाँ आजकल क्या है कि वो कटिंग बहुत ज्यादा हो गई है श्लोक्स को कट करके और ऐसा कर देते हैं, बट वेदों में जो लिखा है मैं आपको बता रहा हूं कि गोपा जो है उसी के थ्रू सारी चीजें हुआ करती थी ठीक है मंदिरों में जो भी हुआ करता था जैसे खाना आ, भगवान को भोग लगाना भगवान के लिए कुछ भी लेके जाना तो सिर्फ किसको देना पड़ता था गोपा को ताकि वो उसका जो है सही काम कर सके जी उसके बाद आते थे शुद्रा जो कि इन तीनों की सेवा करते थे लेकिन आ, ये तो हमारे भारत के अंदर वालों ने लिखा लेकिन जो बाहर से लोग आए थे ठीक है भारत के बाहर से लोग आए थे जैसे मेगास्तनीस था पाहीन थे यून सेंग थे तो इन लोगों ने अपनी किताबों में क्या लिखा है वो बताता हूं अच्छा किताब उल हिंद अल बेरोनी ने जो लिखी थी उनमें ये लिखा था कि भारत के अंदर सिर्फ दो लोग थे। एक बड़े लोग और एक छोटे लोग इसके अलावा कोई भी तरह का दूसरा वर्ण सिस्टम नहीं था चाणक्य ने तो यहां तक लिखा था कि आठ वर्ण सिस्टम है आठ है कि नहीं हाँ राइट आगे बढ़ते हैं वेद के अंग ठीक है वेदों के जो अंग है उसको हम क्या कहते हैं वेदांग और वेदांग कितने तरह के टोटल छह तरह के हैं सबसे पहला उसमें है शिक्षा फोनेटिक्स जिसको कहते हैं जो हम बोलते हैं जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो ये शिक्षा दे रहा हूं मैं आपको फोनेटिक्स दे रहा हूं दूसरा है कल्प कल्प का मतलब होता है रीति रिवाज रिचुअल्स व्याकरण का मतलब ग्रामर होता ऑब्वियसली संस्कृत ग्रामर की बात हो रही है यहां पर निरुक्त का मतलब होता है एटीमोलॉजी और एटीमोलॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ वर्ड्स शब्दों का अध्ययन करना चंद का मतलब यहां पे मैट्रिक्स से रिलेटेड है यानी कि मैथमेटिक्स, ठीक है उस समय द ग्रेट मैथमेटिशियन आर्यभ्टास्कराचार्य और ऐसे भी पर्सन जिसने जीरो का इन्वेंट किया था आर्यभट्ट ने नहीं किया था Unknown Indian. लेकिन हुआ कहां पे था हमारे भारत में ही हुआ था ठीक है और ज्योतिष ज्योतिष मतलब एस्ट्रोनॉमी स्टडी ऑफ प्लैनेट्स स्टडी ऑफ प्लैनेट्स एंड गैलेक्सी बैठे बैठे बता देते थे कि आपसे दस दिन पहले दस दिन बाद जो है आपको ये होगा पांच साल दस साल बाद आपका ये होगा तो ये सब जो है इस हाथ पे करके बताते थे पुराने जमाने में अब ये चीजें बनाने का रीजन क्या था वेरी गुड पूर्णिमा सोनी आपने बिल्कुल सही कहा है ये जो वेदांग है ये एक समझ लीजिए चश्मा है वेद को पढ़ने के लिए ठीक है तो वेदांग इज टू अंडरस्टैंड वेद बिल्कुल क्योंकि वेदों के अंग है चलो आगे बढ़ते हम हाँ आर्यभट्ट भी इंडिया के ही है एपिक्स ऑफ इंडिया तो दो सबसे बड़े एपिक्स है हमारे इंडिया के सबसे पहला क्या है महाभारत महाभारत का पुराना नाम हाँ ठीक है पुराना नाम क्या है यहां पे अजय संमता जो कि बहुत सारी किताबों में आ रखा है लेकिन आज मैं आपको जय संहिमता से भी पुराना नाम बताना चाहता हूं महाभारत का जो कि क्या है भारत है सबसे पुराना नाम जय संहिंता के बाद हाँ भारत ठीक है सबसे आ, उसके बाद जो है एपिक टेल जो है हमारे यहाँ की वो क्या है रामायण जिसका रिसेंटली अभी थोड़े दिन पहले ही मजाक बनाया है हाँ बहुत ही आ, मतलब अनएक्सपेक्टेड कर दिया मतलब जो वाल्मीकि जी ने अपनी किताबों में लिखा था आ, उसका भी मजाक बन गया है ये अब तो इससे ज्यादा तो अब क्या करें अब है कि नहीं नो डाउट रामायण पे पिक्चर बनी लोगों को अच्छा लगा बहुत बढ़िया है लेकिन कुछ चीजें जो है वो गड़बड़ थी ठीक है हाँ रामायण का पुराना नाम क्या है आदि काव्य वेरी गुड पुराना नाम क्या है आदि काव्य और इसी को महाभारत को ही हम क्या कहते हैं महाकाव्य ठीक है महा हाँ ठीक ये क्या है अधर्म पे धर्म की जीत स्थापित करने के लिए दो बड़े एपिक्स लिखे गए थे महाभारत और रामायण सिर्फ और सिर्फ चाहे आ, कोई भी चीज हो ठीक है कोई भी चीज हो कोई भी धर्म का इंसान हो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज लिखी हुई होती है कि बुराई हमेशा हारती है और अच्छाई हमेशा जीतती है हमारे संविधान में जो एम्बलम uh, है हमारे इंडिया पार्लियामेंट के अंदर उसमें भी साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखा गया है सत्यमेव जयते कि uh, सत्य की ही जीत होगी और होती रहेगी नेक्स्ट क्वेश्चन ये देखो इस तरह से हमारी हिस्ट्री चली है ये पूरी मैं इस अखंड जी के जी एस में कराने वाला हूं टोटली totally. पूरा यहां से लेके कल से हम हड़प्पा से स्टार्ट करेंगे मतलब कि सोर्सेस और फिर एंड तक 2023 तक मैं कराऊंगा आपको ठीक है चल अब लाया हूं मैं आपके लिए एमसीक्यू फटाफट से करिए इनमें से कौन सा ऐसा था जो स्टोन एज का पार्ट नहीं था बताएं ऑप्शन लिखे हुए हैं सामने फटाफट से आप बताएं बस इसका आंसर हाँ इनमें से कौन से आ, स्टोन एज का पार्ट नहीं था पैलियोलिथिक चालकोलिथिक मिसोलिथिक या फिर नियोलिथिक देखते हैं भाई कौन इसका आंसर सही बताता है जी ना इसका आंसर सी नहीं है अरे मिसोलिथिक कैसे हो सकता है मुझे बताओ हाँ इसमें पूछा है स्टोन एज का पार्ट नहीं है तो स्टोन एज का पार्ट तो भाई चालकोलिथिक नहीं है ना क्या कर रहे हो यू सारे के सारे सी कर रहे हो गलत है बिल्कुल चालको लिथिक के अंदर तो कॉपर आ गया था तो कॉपर स्टोन कब बना मुझे बताओ है ना इसका आंसर क्या है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन। रीजन ऑफ मिर्जापुर यूपी फेमस फॉर तो जो कैमूर रीजन था मिर्जापुर का इसी क्लास में पढ़ाया है मैंने हाँ वो किसके लिए फेमस है मिसोलिथिक साइट के लिए मिसोलिथिक साइट के लिए फेमस है ऑप्शन नंबर सी मिसो का मतलब बिटवीन स्टोन एज कैमूर रीजन ऑफ मिर्जापुर यूपी राइट फिर है इन्वेंशन ऑफ फायर हैपेंड इन तो फायर का इन्वेंशन कहां पे कब हुआ था बताना है हां अपर पैलियोलिथिक लोअर पैलियोलिथिक मिसोलिथिक या फिर नियोलिथिक तो इसका आंसर बता देते हैं हम लोअर पैलियोलिथिक पीरियड के अंदर हुआ था मैंने आग लगते हुए फोटो भी बताई थी अभी आपको है कि नहीं फिर नेक्स्ट पे चलते हैं विच नियोलिथिक साइट प्रोवाइड्स द एविडेंस ऑफ सर्कुलर हट्स एंड द ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस इन द वर्ल्ड तो चावल के लिए जो क्वेश्चन रह गए होते हैं हाँ जो एमसीक्यू में लेके आ जाऊंगा मैं तो ऐसे ही कुछ करूंगा मैं इसका आंसर जो है वो है आ, कोलदीवा एंड महागरा यूपी तो पहले के टाइम में यूपी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें मिली गई थी राइट नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री तो फादर ऑफ इंडियन प्री हिस्ट्री किसे कहते हैं फटाफट आंसर बताओ देखो बिल्कुल सही चाहिए मेरे को ये आंसर ठीक है बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए इसमें वेरी गुड ठीक है रॉबर्ट ब्रूस फूटे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है आपका आंसर वेरी गुड नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन आर्कियोलॉजिकल फर्स्ट भीम बेट का केवस करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है ये किसका करंट अफेयर्स का भीम बेट का केव एंड डिस्कवर्ड द प्री हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ इट्स रॉक पेंटिंग तो बताना है फटाफट से भीम बेटका केव जो है किसने डिस्कवर किया था नाम क्या था उस पर्सनैलिटी का तो माधव स्वरूप तो नहीं थे एच डी संकालिया भी नहीं थे राची पांडे सी कह रहे हैं तो इसका आंसर सी है राइट आंसर वी एस वकनकर right वकन ने ही अभिम बेटका को फाइंड किया था पीछे की क्लास में भी पढ़ाया है कल हम जो है यहां पे इंडस वैली सिविलाइजेशन का कुछ पार्टी कुछ पार्ट है ना किस तरह से ये इंडस वैली सिविलेशन आया और किस तरह का ये हड़प्पा मोहन का ग्रेट बात आया हम्पी का रथ टाइम है अभी इसमें रुको थोड़ा सा हाँ आगे रुको फिर अच्छा टेलीग्राम चैनल अब ये जो एमसीक्यू है ना हाँ इसी एमसीक्यू के जैसे जैसे मैंने क्लास रखी है एक ठीक है हाँ वो क्लास कितनी बजे है बारह बज के पंद्रह मिनट पर रहेगी क्लास आज से मंडे से फ्राइडे साढ़े दस बजे तो यहां पे क्लास रहेगी और सवा बारह बजे स्पेशल क्लास रहेगी उसका भी कोई चार्ज नहीं अन अकेडमी ऐप पर है अन अकेडमी ऐप पर जाइए और लिंक अगर टेलीग्राम ग्रुप में जाए तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं लिंकिंग लॉज इंग्लिश इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए तो इसमें सारी लिंक आएगी ठीक है तो आपको फायदा मिल जाएगा इससे और ये देखिए हमारा जो अलग अलग चीजें हमारे चैनल पर होती रहती है ठीक है हाँ तो टू वन जीरो के की फैमिली जिसमें सभी हैं आप मैं, सर जितने भी हैं एजुकेटर्स सभी इसमें इंक्लूडेड हैं, लिंकिंग लॉस जुडिशरी प्लेटफॉर्म का भारत का सबसे बड़ा चैनल कौन सा है लिंकिंग लॉस और ये हमारे स्टार से बिल्कुल और प्लस और आइकॉनिक चैनल का सब्सक्रिप्शन आप ले सकते हैं अनकैडमी ऐप पे लेकिन कोड क्या लगाना है आपको लिंकिंग लिंकिंग कोड यूज करके अरे वाह तो 210 नहीं 211 के है हैं हम बिल्कुल ठीक है हाँ और अब किसी को भी कोई भी तरह का डाउट है ठीक है कोई भी तरह का डाउट है तो वो डाउट आप पूछ लीजिए हाँ जब तक मुझे ये आग वाला बहुत अच्छा लगा था हाँ हाँ बहुत अच्छा लग रहा है ये मैंने कहा लगा के रखूँ ये है कि नहीं चलिए फटाफट से कोई भी तरह का डाउट है तो फटाफट बताइएगा ज़रूर हाँ जल्दी से जी थैंक यू सो मच और जिनको भी ये क्लास अच्छी लगी है हाँ तो वो ज़रूर बताइएगा सर पीडीएफ कब देंगे पीडीएफ तो आ, वेबसाइट पे अपलोड करेंगे हम हाँ ठीक है और भी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए कोई दिक्कत नहीं है जी यूपी के लिए हाँ सफिशिएंट रहेगा दो पंद्रह वाली क्लास आज होगी ना हाँ, आज होगी जी ओके देन बाकी तो आप कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं हाँ इसके अंदर जो इधर अभी आज पढ़ाया ना उससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है एमसीक्यू मैं में कराऊंगा ताकि क्या है जो पढ़ा हुआ हो वो हाथों हाथी रिवाइज आ जाए हाँ रिवाइज हो जाए और उसके बाद क्या है कि आप फ्री हो जाओ ना दो पंद्रह तो छत्तीसगढ़ मेंस के लिए क्लास है हाँ ये क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई दिक्कत नहीं है इसके लिए चलिए फिर तो मिलते हैं हम फिर से कल की क्लास में सुबह साढ़े दस बजे थैंक यू हैव अ नाइस स्टे एंड गॉड ब्लेस यू थैंक यू